बोल तो के। फ्रेंड्स प्याज की कचौड़ी बनाने के लिए जो जो मैंने सामग्री ले रखी है आपको दिखा देते हैं। ये प्याज ले रखा है मैंने 10 पीस, इसे मैंने काट लिया है बारीक। उबला हुआ आलू 3 ले लिया है, इसे मैंने मैश कर लिया है। 1 कटोरी मैदा, सूजी 1 कटोरी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, जीरा दोनों 1-1 चम्मच ले रखा है, स्वादानुसार नमक, हल्दी, हरी धनिया पत्ती इसे भी मैंने काट लिया है, लाल मिर्च इसे भी काट कर रख लिया है और ऑयल। तो गैस को जला लेते हैं, हम कढ़ाई रखेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, सबसे पहले इसमें जीरा डालेंगे, मिर्च डालेंगे जो कटी हुई थी, अब इसमें प्याज डाल देंगे, जीरा हमारा लाल हो गया है, अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच गर्म मसाला, स्वाद अनुसार नमक, नमक में थोड़ा ही डालना है क्योंकि प्याज और पककर थोड़ा ही होगा। और ये जो आलू मैश करके रखा है इसे डालेंगे, अगर आपको तीखा पसंद है थोड़ी लाल मिर्च डालेगी, इसे कलर और टेस्ट भी अच्छा आता है। इसे अच्छे से मिला लेंगे हम, और ये देखिए ये प्याज मेरा पकने वाला है, इसे थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि प्याज अच्छे से हो जाए। और ये देखिए ये मसाला तैयार हो गया, अब इसे हम गैस से उतार देंगे। सबसे पहले मैदा ले लेंगे, जब से मसाला हमारा तैयार ठंडा हो रहा है तब से हम उसका आटा तैयार कर लेते हैं। ये मैदा मैंने डाल लिया है, अब इसमें 1 कटोरी सूजी ले लेंगे, सूजी डालने से बहुत ही क्रेपी होता है। अब इसमें अजवाइन डाल देंगे 1 चम्मच, अब इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे, अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब ये मिक्स हो चुका है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम गूथ लेंगे हाथ से। मसाला ठंडा हो गया है, अब इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे, इससे स्वाद और भी अच्छा आता है और ये नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। अब आटे की लोई हम बना लेंगे, अब इसमें जो मसाले मैंने बना कर रखा है अब इसे भर लेंगे। इसको हाथों से धीरे धीरे दबा देंगे, देखिए इस तरह, और इसी तरह हम सारे आटों का लोई इसी तरह बना लेंगे और कचौड़ियां सारी तैयार कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसे तेल में छान लेंगे। इसे पलट लेंगे हम और इसे धीमी आंच में हमें पकाना है। धीमी आंच में पकाने से कुरकुरे होते हैं। कचौरी हो गई है, अब इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में।
सारी कचौरियां हम निकालेंगे। तो हमारी कचौरी देखिए बनकर तैयार हो गई है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और फ्रेंड्स आप भी ऐसी कचौरी बनाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।